राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम समारोह में वर्चुअली जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से प्रदेश में नवनिर्मित 4,51,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराए। इस अवसर की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम समारोह का आयोजन सतना के बीटीआई ग्राउंड में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राहियों से कहा कि ये महज घर नहीं है, ये एक ऐसा मजबूत किला है जो घर में गरीबी को घुसने नहीं देगा। उन्होंने धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि दिवाली का दिया जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में नई क्रांति होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश की धरती में एक भी कच्ची झोपड़ी नहीं रहेगी, सभी के अपने पक्के मकान होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियों के बहाने शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गरीबों का गला काटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों का आवास उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, वन एवं प्रभारी मंत्री विजय शाह, राज्य मंत्री खेलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह और महापौर योगेश ताम्रकार भी मौजूद थे। अरे भगवान ने जब इस दुनिया में पैदा किया तो इतनी जमीन तो हमारे नाम कर दी।